বলো চামুন্ডা মা কি सगति तू साम्रत भई तेरो यज बनिरालो भे तेरे आगे झुक गए तेरे आगे झुक गए मा फिर माफी देवा में देवी बड़ी है हर सिद्धमा देवा में देवी बड़ी है रे बड़ी हर सिद्धमा आठ पोर चौसठ घड़ी माँ मारी हिड़ दे बसो हर सिद्धि की ओ, 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 आ, हर सिद्ध की और हर सतनूरी मां चरण शरण में राख जो मां राखियो मोरी तो मातेश्वरी मिया शक्ति तो सब बड़ी शक्ति तू साम्रत भई तेरो अदब निरालो भेक तेरे आगे झुक गए मां ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों शक्ति रे आश्रय और शक्ति हमेशा बड़ी होया करे शक्ति री पूजा पहली हुए देवी देवता पूछे विराजमान हुए आदमी रो इष्ट पक्को रहना चाहिए और आप भी एक बोली मां राजी रहनी चाहिए बस बाकी रा देवी देवता आप भी शाय करना हर उज जावे वे दोनों नाराज होए नहीं जाने तू सोड़ा एक ही घर में पड़े को नहीं क्योंकि मां है जन्म री देवाल मां नाराज होए तो बड़ी मां ने तो दे ठा करो देवानी और हास घर में आऊं ले तो भाई बात है कुली देवी है जिसकी राजी रहनी जरूरी है कुली मां राजी होए नहीं जन बैठे 33 कोसी रा देवी देवता बैठा ही ओपे स्याई करे तो ही ओपे नहीं जन ओपे कोने भाई इष्ट आदमी रो पक्को या करे इष्ट बालाजी महाराज रो केरी रामदेव जी महाराज रो केरी नारायण गुरु महाराज रो केरी जगदम्बा रो करनी जी रो जो भी इष्ट है इष्ट आदमी रो पक्को आदमी रो इष्ट पक्को तो आदमी पक्को मकान री नहीं नीवी मजबूत तो मकान मजबूत क्योंकि मकान री नीवी मजबूत होए नहीं ऊपर भरे चार मंजिली बनावे नहीं तो ही नीचे ताकन वाली बात को नहीं और थड़ा बंद रे मैंने की कोई ऊपर दो मंजिली बनावे नहीं तो होच नो पड़े के कहीं ठहर ही को ठहरे नहीं तो विशेष बात आ है आप रो इष्ट और आप री कुल देवी दोनों ने याद रखनी जरूरी है तो आज बैठे कुल देवी हरसिद्धि माता री महिमा है और विशेष पंचार्य कुल देवी माँ हरसिद्धि है और मारा बच्चा बहुत करूड़ है और श्याय कर दे तो बेड़ा पार है अरे हेलो मारो सांवलो अरे हर सिद्ध मारी माई ये नोर मारो सांवलो अरे हेलो मारो रखो मानी माई अरे आयोडे काबर दर्शन देवो मारी
याद करना जरूरी है क्योंकि संत लोग लिखे हैं कि सब देवा ने बेनती अपनी अपनी थोड़ देवी देवता जितना भी होड़ा आपकी जगह में सब करोड़ करोड़ है मोड़ा किसी को नहीं बाकी सब देवा ने बेनती अपनी अपनी थोड़ शब्द बदे को पार को संत सिर माथे को मोड़ भगवान और देवता सब बराबर है लेकिन देवी देवता की पूजा मृत्यु लोक रे मायने भगत लोग करे तो मनुष्य जीवन रे मायने एक सेवा करने रो मौको है इस सेवा रे बानो भगवान रा भजन होया करे आज महाराज अपन इतने बेड़ा करिया है स्वामी बनाई है बालाजी महाराज और जागरण राखियो है भाईशान कठो कठो बुलाया है लॉकडाउन रा दर्शन करूड़ा तो मैं कई 8-10 महीना होया हमें जार की सगा समझ जा रहा कई दर्शन होने लगा ना दर्शन कठा घरे बैठा बुंबीज गया हेली मारिए आयोडे संतारा लीजे वार ना लोकर के महाराज घरे ही लो गणाई दिन लिया तो 8-10 महीना दौरा बहुत काटिया बड़े आदमी के उतारे थे थोड़ा पगो बेओ माथे मती बोना घर बड़ा हो जाए जन आपको मान तक हो नहीं 8-10 महीना ऊपर कर निकलिया नहीं हगड़ा मानन ला गया कि बेटे बात तो हाथी है कि बड़ेरा आदमी जो कह गया बा बात सत्य है कि जिकी आदमी की आपकी मर्यादा है और जो रीति रिवाज है बा कभी नहीं भूलनी चाहिए महाराज मन के महाराज एक बात भी माफी चाहूं मैं क्यों कहीं कि महाराज जागरण तो आजकल घणा ही तरह लागे नहीं जो लागे बात हाची है थारी तो अपर जागरण अपर जड़ लगाणो है बड़े अपर में बड़े कहीं रोड़ो है महाराज बिल जरूर बाबू बुला या पर तो जागरण जाग और रण बागू कोई स्वामणी रो और जो तोने रो भाई बंधु पदार्थ रो मौको या करे हमेशा को होवे नहीं बाग बिना मिलता नहीं शुद्ध वस्तु का भोग दाग फड़े बेशाक में जन हुए काग गड़ रोग नीमरी नीमोली पाके नी जन काग लड़ गड़ मिटिया पहली गड़े मोजे हुए गुटर गुटर देख भोग रे बाकी खाई जे कौन अपर जे कदी मदी कोई भगवान रो और बालाजी महाराज रो या सत्संग रो कणी मणि घर माई ने काम पड़े हमो इतरो जनबा सूरदास जी वाली बात है सूरदास जी गेट में बड़ियुड़ा और गेट आओ तो निजन गुदीम खा जा जाओ तो बड़बो गेट तो आगे ने सूख जाओ तो और पग आगे ने मिली जाओ तो कहने री बात है अपर कदी मती कोई जागरण सुनने वास्ते समय मिलिया करे और भी समय रे माई ने आपा पाछा शामिल नहीं हो सका नहीं जाने आपा कन कोई साधन कोन इन वास्ते संत महात्मा को भाग बिना मिलता नहीं शुद्ध वस्तु का भोग दाग फड़े दशा में जन हुए काग कड़ रोग नीमरी नीमोली पागे काग लो बैठो बैठो देखे बेटी नीमोली तकड़ी बाकी गड़ो पाग दियो तो कहने रो मतलब है श्याम दे रसया जी के महाराज थोड़ा बैग आया जागन बैग को हरू करनो मार गांव वाला और फूर्ती गणी मुख जीमिया पर हगवारी फूर्ती गणी राम धरो के बैठ कर सबका मुद्रा लेत जैसी दिल की चाकरी प्रभु वैसो ही फल देते राम भजन में आलसु नर भोजन में होशियार तुलसी ऐसे जीव को तो बार बार दिरकार नहीं प्रणाम आजकल कलयुग रो करो है हाथा जोड़ी करिया काम चले भाई निमन बड़ी संसार में नहीं निवेशो नीच निवे नदी रो बूद लो रेवे नदी रे
बिचो बीच इन वास्ते अपन न्यू कर चालना है भाई। छोटा बने सो तारी पावे। हनुमान जी महाराज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के राम के बराबर नाम है, लेकिन हनुमान जी महाराज हमेशा छोटा बन गया, पायक पण पणा रहे हनुमान जी महाराज। जब हनुमान जी महाराज नाम आज चार मायने अजर और अमर हुयो है, और हनुमान जैसा पायक संसार में ना कोई हुयो और ना कोई बड़े है होवेला। इति बालाजी माई महाराज ने मायने इति करामात है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अश्वर दीन है, ज्ञान की माता राम रसायन तुमरे पाशा तो सदा रहो दासा। भगवान रो दास बन रहो है। बालाजी महाराज कहे जो राम राम करता वही मेरा नाम लेता है। राम जी चले ना हनुमान के बिना, हनुमान चले ना राम के बिना। तो देख लो आज चार ऊंट और मायने बालाजी महाराज रो नाम जैसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम है, वहां पर श्री हनुमान का नाम है। आज बहुत ही अच्छा दिन है। एक तो बड़ी माघरी पूर्णिमा रो दिन है यार, एक शनिवार रो बारो दिन है, दोनों कम बैठे करे। माघरी पूर्णिमा आज है, शनिवार आज है, लेकिन दोनों आगे बैठे नहीं जिनको जोग हुए बढ़िया आ रहा। बाकी जिको यहाँ बालाजी महाराज ने माने घट में बिराजे भगवान, मंदिर में कहीं ढूंढती फिरे बस। जो आत्मा मन चंगा तो कठोती में ही गंगा कठी जाने की जरूरत नहीं है। तो बालाजी महाराज रो भजन है बहुत ही स्पेशल, बड़े आदमी गाया करता और भी हमारे